मौसम बदलने के साथ साथ शुरू हो गई हैं खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायतें। ऐसे में हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी, कि जितनी हेल्दी है उतनी ही ये खाने में टेस्टी भी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप रागी का आटा। जी हाँ, हम बना रहे हैं रागी के लड्डू। इसे नाचनी या फिर मड़ुआ भी बोला जाता है। अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें एक बाउल ले लेना है और उसमें हम रखेंगे स्ट्रेनर और उसमें डालेंगे हम अपने रागी का आटा या मड़ुए का आटा। अब इसको हम सबसे पहले छान लेंगे ताकि जो भी इसमें छोटे मोटे जो गंदगी हो वो छन्नी में ही छन कर निकल जाए। तो लीजिए, इसमें जो भी थोड़ी बहुत गंदगी थी वो छन्नी में ही छन कर हमने अलग कर ली है और अब इसके बाद इसको हम साइड में रख लेंगे। रागी का आटा फ्रेंड बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अब इसके बाद हम ले लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करना है और उसका कच्चापन हमें हटा लेना है। तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको इस मूंगफली को रोस्ट करने में। जब आपकी मूंगफली में हल्के से क्रैक्स नज़र आने लग जाएं, इट मीन्स कि आपकी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मूंगफली में क्रैक्स आ गए हैं यानी कि रोस्ट हो गई है। तो इसको हम साइड में निकाल लेते हैं प्लेट में। इसके बाद हम उसी कढ़ाई में 3 से 4 छोटे चम्मच ले लेंगे तिल के। तिल को यहाँ पर हमें हल्का हल्का रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होगा, उसमें एक क्रंचीनेस आएगा जो कि हमारे लड्डुओं के स्वाद को और बढ़ाता है। आप चाहें तो बिना रोस्ट करे भी तिल का यूज़ कर सकते हैं। तो तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम साइड में निकाल लेते हैं प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में फिर से हम 2 चम्मच रख लेंगे घी के। यहाँ पर ज़्यादा घी का यूज़ नहीं होता है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही घी इसमें लगेगा। अब घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे अपना रागी का आटा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 10 से 15 मिनट तक भूनना है। जब आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी रागी के आटे में और उसका एक हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा, इट मीन्स कि आपका रागी का आटा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अभी आप देख रहे हैं पहले से और अभी में कलर में कितना चेंज आ गया है। ये हल्का सा चॉकलेटी कलर की तरफ जाने लग गया है और जब आप इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे ना, ये और चॉकलेटी कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है तो टोटल मैंने 3 चम्मच घी यहाँ पर यूज़ किए हैं। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे, पूरे आटे में मिक्स कर लेंगे और फिर हम इस आटे को फिर से भूनेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमें इस आटे को भूनते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर इसका आया है। और बस ये हमारा आटा यहीं पे भून के तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में खाली कर लेते हैं। कढ़ाई में ही रखने से क्या होगा, कढ़ाई गर्म है उससे क्या होगा, हमारा आटा जलने का डर रहेगा। तो तुरंत ही आपको इसको बाउल में निकाल लेना है। अब ये आटा हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है और तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने मूंगफली भून के रखी थी ना उसके हमें छिलके हटाने हैं और उसको एक दलदरा सा उसका पाउडर बनाना है। तो लीजिए छिलके यहाँ पे हट गए। अब इस मूंगफली को हम डाल देंगे एक मिक्सी जार में और बिल्कुल पल्स में चलाते हुए इसका एक दलदरा सा पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप बारीक कर देंगे ना तो मूंगफली क्या होगा, अपना ऑयल छोड़ देगा और जिससे वो बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा, हमें वैसा नहीं चाहिए। तो ये देखिए कुछ इतना हमें मूंगफली को पीसना है। तो अब इसको भी हम डाल देते हैं आटे में। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने जो तिल भून के रखे थे वो भी मैंने इसमें मिला दिए हैं। साथ ही हम यहाँ पर स्वाद को और बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं कोकोनट पाउडर। ये बहुत ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही कुछ मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाले हैं, थोड़े काजू, थोड़े किशमिश, थोड़े बादाम। आप और कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप वो भी इधर ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया है घी। घी हल्का सा हमारा पिघल जाए तो उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप से थोड़ा सा कम गुड़ का पाउडर। मेरे पास गुड़ का पाउडर अवेलेबल था तो मैंने गुड़ का पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास नॉर्मल गुड़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं।
अब इसके ऊपर हम 2 से 3 बड़े चम्मच डाल देंगे पानी और उसके बाद हम गुड़ को अच्छे से पिघलने देंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ एक गुड़ का लिक्विड चाहिए, हमें गुड़ की एक तार वाली चाशनी यहाँ पर नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो बस एक उबाल आने तक ही आपको यहाँ पर गुड़ को पकाना है। तो अब हमारा गुड़ जो है वो पककर रेडी हो चुका है। अब इसके बाद जो हमने लड्डुओं का मिक्सचर बनाया था तो उसमें इस गुड़ के पानी को पूरा डाल देंगे। अभी क्योंकि ये गर्म है तो मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी। तो अब ये ठंडा हो गया है, यहाँ पर मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद हम अच्छे से इसके एक लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर कभी ऐसा हो कि आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो आप इसमें नारियल का जो पाउडर है वो मिक्स कर इसको अच्छे से एक बैटर बना सकते हैं। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और एक एक करके हम लड्डुओं को यहाँ पर बना लेंगे। फ्रेंड्स ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं उनके लिए तो ये वरदान है ये लड्डू। बच्चे रागी के आटे का जो रोटी है वो इजीली नहीं खाते हैं, तो उन्हें इस रूप में आप लड्डू बनाकर खिलाएं ताकि आपके बच्चे हमेशा हेल्दी रहे, उनकी इम्यूनिटी हमेशा बनी रहे। लीजिए फ्रेंड्स रागी के आटे के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर पर अपने बच्चों को बनाकर खिलाइए और उनकी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिए। अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।